हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस इलेक्ट्रिक ब्लॉग्स। दोस्तों आज हम लोग एक नल को उखाड़ने जा रहा हूँ। दोस्तों पूरा नल उखड़ के दूसरी जगह दोस्तों असेंबल होगा, दूसरी बोरिंग है। हम लोग देखिए, हम बाइक से हैं और हमारे मिस्त्री साहब दो लोग साइकिल से जा रहे हैं। देखो कितना बढ़िया साइकिल भगा रहे हैं दोस्तों। ये लोग 30 की स्पीड में चल रहे हैं दोनों, आगे आगे मेन मिस्त्री है और पीछे छोटे मिस्त्री हैं। दोस्तों एवं प्यारे मित्रों, हम नलका जहाँ उखाड़ने वाले हैं वहाँ पहुँच चुके हैं और ये देखिए नट बोल्ट सब कुछ खुल गया है। अब हम इसको हम हेड को बाहर ले जाएंगे। चैन का बोल्ट और निकालना है दोस्तों, देख लीजिए। चैन को उठा के बोल्ट निकाल लिए हैं, अब हम इसको लेके जाएंगे मुंडी को। दोस्तों अब हम नल को ऊपर उठाएंगे जिसमें पाइप कसे रहते हैं, इसमें पाइप पानी निकलता है, उसको हम नल को खोलेंगे कैंचा लगा करके, रिंच से पकड़ लीजिएगा इसको। दोस्तों अगर आपको खोलना है नल को तो आप ऐसे हमारा वीडियो देखकर आप खोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो चोट भी लग सकती है। बहुत भारी होता है ये नल GI में, जो कि अंदर लटकता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्लैंप को खूब बढ़िया टाइट कर लिया गया है। अब क्लैंप को उठाएंगे और रिंच को हटाकर नल पर रखेंगे, इसके बाद टोटी को खोलेंगे। थोड़ा सा दोस्तों आप लोग भी चोट मार लीजिएगा सॉकेट पर ताकि आसानी से खुल सके। दोस्तों ये नल खोलने के आप लोगों को विधि बता रहे हैं, जुगाड़ बता रहे हैं कैसे नल खोला जाता है। दोस्तों देख लीजिए आप लोग कैसे हम लोग खींच रहे हैं, ताकत लगा के इतनी। ये घूम चुका है दोस्तों, ये देखिए आसानी से खुल गया है, दो लोग आराम से खोल दिए हैं। दोस्तों इसको मोड़ी टोटी खोलने के बाद देखिए इसमें सॉकेट नहीं है, सॉकेट को आप लोग लगा दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा अगर मिस्टेक होगा तो पाइप नीचे चली जाएगी, क्लैंप में फंसेगी नहीं, इसलिए हम लोग सॉकेट लगाते हैं और फटाफट इसको पाइप को उठाते हैं। देख लीजिए दोस्तों कितना बढ़िया, कितना जल्दी जल्दी उठ रहा है। दोस्तों ये नल यहाँ से उखड़ के एक साइड में लगेगा, एक गाड़ी के पास बोर, दूसरा बोरवेल कराया गया है बोरिंग। दोस्तों ये देख लीजिए 10 फुट उठा चुके हैं, सॉकेट दिख रहा है, 10 फुट और उठाएंगे तब इसको, इस जोड़ को खोलेंगे। कभी भी हम लोग जब नल रिपेयर करते हैं तो 20 फीट का लेंथ खोलते हैं, आप लोग देख सकते हैं 20 फीट पहुंच चुके हैं। अब इसको हम क्लैंप को कसेंगे। दोस्तों जिसको जिनको आता है उनके लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं, जिनको नहीं आता है उनको हम सिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं, या उनको जानकारी होनी चाहिए कैसे हम नल खोल सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों सॉकेट पर थोड़ा थोड़ा चोट दीजिए, ये फिर भी क्लैंप से घूम रहा था लेकिन हमने रिंच लगाया, वो आसानी से खुल गया। दोस्तों ये देखिए पाइप को कैसे खोला जा रहा है,
एक लोग पकड़े हैं दोस्तों, ये देखिए उस जोड़ को खोल दिया हमने, सरिया भी खोल दिया है, ये देखिए दूसरा है दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में हम खाली पूरा नल निकालेंगे, उसके बाद इसको कैसे तोड़ते हैं फर्श को, और घोड़ा कैसे निकालते हैं यानी स्टैंड इसका कैसे निकालेंगे हम, जो तीन लेग इसमें लगा रहता है वो सरिया सीमेंट से पत्थर डाल दिया जाता है दोस्तों, ताकि नल हिले नहीं। नल को निकाल लेंगे और उसको निकालेंगे तोड़ ताड़ के दोस्तों। यहाँ पर देखिए दूसरी पाइप खोलने के लिए क्लैंप को कसा जा रहा है। अब की हम दोस्तों दिखाएंगे कि पाइप और सरिया को कैसे खोलते हैं, देख लीजिए दोस्तों पाइप खुल रहा है आसानी से, पाइप जो है खुल चुका है, अब पानी भरा है इसमें, इसलिए हम बोरी को लगाएंगे, नहीं तो तीनों लोग को भीगो देगा पानी। दोस्तों गुजारिश यही है कि अगर जिनको आता है वो हमारा वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं तो कोई बात नहीं है ना देखें। ये वीडियो खाली दूसरों को जानकारी के लिए हम डालते हैं। देखिए पानी गिर पड़ा पूरा, और सरिया खोलने का नंबर आ गया, रिंच लगा कर दोस्तों देख लीजिए खुल गया, अभी नहीं खुला, खुल गया सरिया। दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, नल उखाड़ कर और घोड़ा उखाड़ कर और मोटर जो है दूसरे बोरवेल में एक पाइप डालकर दिखाएंगे हम। बाकी वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे आप जाके यस इलेक्ट्रिक ब्लॉक्स पर, अगर यस इलेक्ट्रिक ब्लॉक्स आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आएगा, या इसी पेज पर आप जा सकते हैं हमारे चैनल के पेज पर, वहाँ पर वीडियो हर वीडियो मिलेगा दोस्तों। मोटर को टेप कैसे करें, मोटर को वाटरप्रूफ कैसे बनाएं केबल जोड़ने के लिए, मोटर को असेंबलिंग कैसे करें, CRI मोटर असेंबलिंग किया है, रिलायंस असेंबलिंग किया है, सभी मोटर असेंबलिंग का वीडियो हमारे चैनल के पेज पर वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। नल का रिपेयरिंग वीडियो मिलेगा, नल और मोटर का एक में कैसे लगाएं उसका भी रिपेयरिंग वीडियो मिलेगा, इंस्टॉल वीडियो मिलेगा दोस्तों। अब हम इसको हम खोदेंगे, देख लीजिए कैसे तोड़ा जा रहा है इसको, ये तोड़ते तोड़ते इतना पहुंच गए हम लोग, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए काफ़ी मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। अभी भी नहीं उखड़ रहा है, खाली हिल रहा है, इसमें हम पानी डालेंगे, अब देखते हैं दोस्तों उखड़ेगा या नहीं, ये उखड़ गया आसानी से दोस्तों। ये देखिए ये दूसरा बोरवेल है, इसका लेग हम लोग गाड़ चुके हैं, ये मोटर जा रही है इसमें, पहले नल अकेले था, अब देख लीजिए इसको, इसमें मोटर जा रही है, अब हम दोस्तों एक लोग पाइप पकड़ेंगे और मिस्त्री साहब रस्सी को अच्छे से बांधेंगे ताकि तार सपोर्ट तार कहीं अगर टूट जाए तो मोटर के पास ना आए, नहीं तो बाद में निकालने में दिक्कत हो जाता है दोस्तों, तार आके वहीं मोटर में लपेट लेती है, इसलिए हर जगह टेप या रस्सी का प्रयोग करके आप बांध लीजिएगा। अगर आप नए वर्कर हैं मान लीजिए नल रिपेयरिंग के लिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारे वीडियो में, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इसका नल का पूरा रिपेयरिंग वीडियो हमारे चैनल पर है, समरसेबल असेंबलिंग का वीडियो हमारे चैनल पेज पर है, समरसेबल वाइंडिंग कैसे करें
समरसेबल पंप को कैसे खोलें, हर वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे उपलब्ध है। दोस्तों धीरे धीरे हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, समरसेबल कम वोल्टेज पर कैसे चलाएं ये भी वीडियो हमारे चैनल पर है, उपस्थित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, देख लीजिए दोस्तों हम क्लेम को कैसे टाइट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू दोस्तों।